Let us now do 5 most important exercises for pronouns for board exam. First one, identify the pronouns in the following passages and also say which noun or noun phrase they refer to. तो इस सेंटेंस में से आपको पहचानना है प्रोनाउंस एंड ये भी बताना है कि किस टाइप का प्रोनाउन है. Let us read the sentence. I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means he has carried his sunshine on to another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab world. तो पहला प्रोनाउन है I. I यहाँ पर सब्जेक्ट है बिकॉज उसी की बात हो रही है, इसीलिए I एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है. सेकेंड प्रोनाउन है him. सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहा है वो है him, तो इसीलिए him एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. थर्ड प्रोनाउन है my. अब my बस रूट यानी कि वो अपने पोजिशन बता रही है, तो इसीलिए my एक पोजेसिव प्रोनाउन है. फोर्थ प्रोनाउन है he. He अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है. He has carried, इसीलिए he जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है. His sunshine on to another road. So his यानी कि sunshine उसी को बिलोंग करती है ये बता रहे हो, तो इसीलिए his जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ओनरशिप बता रहा है ना. लास्ट प्रोनाउन है it. It cannot be too widely, यानी कि it की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो वो सब्जेक्ट है. So it is a subject pronoun. Second one. My sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on top of a bus. I looked up with some anger and saw my friend, the cheerful conductor. Sorry, sir, he said. I know these are heavy boots. I got them because my feet get trod on so much and now I'm treading on yours. First pronoun hai my. My sensitive toe. तो यहाँ पर वो ownership बता रहा है अपने sensitive toe की. तो my एक possessive pronoun है. Second pronoun है I. I sat reading on top of a bus. So I यहाँ पर subject है, वो subject की तरह कह रहा है कि मैंने ये किया. So it is subject pronoun. Third pronoun है he. Sorry sir, he said. तो he said उसने कहा, यानी कि जो subject है उसी ने कहा, तो he is a subject pronoun. Fourth pronoun है them. I got them because of my feet. So I यहाँ पर subject है and got एक verb है and them जो है वो object है. So इसीलिए them object pronoun है. लास्ट वन इज yours. Yours यानी कि तुम्हारा. तो कोई चीज़ जब किसी को बिलोंग करती है तब हम ऐसे प्रोनाउंस यूज करते हैं. सो इट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन. Yours इज पोजेसिव प्रोनाउन. थर्ड वन, इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, yours इज द अर्थ एंड everything that's in it. And which is more, you'll be a man, my son. तो पहला प्रोनाउन है you. If you can fill, तो you यहाँ पर subject का role play कर रहा है, इसलिए वो subject pronoun है. Second है yours. Yours यानी कि तुम्हारा, यानी कि ownership बता रहा है, possession बता रहा है, तो इसलिए वो possessive pronoun है. Third है it. So अगर आप देखो कि it से पहले एक preposition in का use किया गया है, तो it यहाँ पर followed by a preposition है, तो it is referred to as the earth, जिसके अंदर सब कुछ आता है, right? So it is playing the role of an object pronoun. So it यहाँ पर object pronoun है. I don't know why they have given subject pronoun, but answer is object pronoun. Last pronoun है my. My denote करता है possession, my son. यानी कि जो son है वो उसी को belong करता है. तो ये एक possessive pronoun है. My is a possessive pronoun. Next exercise, fill in the blanks with suitable pronouns. If anyone asks, tell dash I will be back tomorrow. अगर किसी ने पूछा, if anyone, तो anyone तो कोई भी हो सकता है. So here we can use them. बिकॉज देम हम सिंगुलर या प्लूरल किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी जेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसका हमें पता ना हो. सेकेंड वन, फातिमा सेड दैट डैश एंड हर सिस्टर वर्क टुगेदर. तो वो और उसकी बहन दोनों साथ में काम करते हैं, तो फातिमा फीमेल है इसलिए उसके लिए प्रोनाउन होगा शी. सो फातिमा सेड दैट शी एंड हर सिस्टर वर्क टुगेदर. थर्ड वन, रोहन वॉन्ट्स टू डू इट डैश, यानी कि रोहन खुद से ही करना चाहता है. अब रोहन जो है वो मेल है इसलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे हिमसेल्फ. फोर्थ वन, द कैमरा आई वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग इज फाइनली डैश, यानी कि जो कैमरा मुझे चाहिए था बरसों से वो अब मेरा है. मेरा है के लिए प्रोनाउन होगा माइन, MINE. ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है. फिफ्थ वन, देर इज नो अस एंड डैश, तो अस के साथ आप दूसरा प्रोनाउन यूज करोगे देम. फुल स्टॉप, डैश आर ऑल इन इट टुगेदर, तो आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो जो कि कंसिडर्ड एज वन है. ओके, सो इसीलिए वी आर ऑल इन इट टुगेदर. लास्ट वन, दे कुक्ड द मीट इन डैश ओन जूसेस, यानी कि मीट को उसी के जूस में पका दिया, तो उसी के लिए हम लोग यूज करेंगे इट्स. नाउ यू कैन चेक आउट द आंसर्स. लास्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स. सो दो ऑप्शंस में से एक चूज करना है आपको जो भी प्रोनाउन सूट करेगा. फर्स्ट वन, इट इज अप टू डैश टू मैनेज डैश टाइम वेल. सो आंसर इज इट इज अप टू अस टू मैनेज आवर टाइम वेल. सेकेंड वन, शकील हरी एंड डैश रोड. आंसर इज शी रोड डैश बाइक्स ऑल द वे होम. सो तीन लोग हैं, सो तीनों लोग की बात हो रही है, तो देयर बाइक्स. थर्ड वन, हुम कैन डैश ट्रस्ट,
Whom can I trust? If not, dash. If not, her. Fourth one, dash looked at dash in the mirror. Answer is, I looked at myself in the mirror. Dash reflection stared back at dash. So, my reflection stared back at me. Last one, neither Ravi nor Rishu has done dash homework. So, यहाँ पर तीन चार लोगों की बात हो रही है, इसलिए we have to use their, T-H-E-I-R, their homework. The teacher has punished dash. The teacher has punished them. Hit the bell icon so that you'll be notified each time I upload a video.